रतलाम पुलिस एसपी अमित सिंह के मार्गदर्शन में जवारा शहर पुलिस ने पकड़ी 1 किलो 910 ग्राम अवैध मादक पदार्थ चरस। जवारा एसपी आशुतोष बागरी को दिनांक 15 फरवरी 2018 को रात्रि 11 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि मजहर पिता निजामुद्दीन निवासी जवारा बाइक क्रमांक MP43D5871 बड़ौदा की तरफ से आ रहा है। जवारा थाना प्रभारी श्याम चंद्र शर्मा ने पुलिस टीम का गठन किया। वहीं गीता भवन मंदिर जवारा के पास आते हुए देखा, रोककर तलाशी ली गई। उसके बैग में 1 किलो 10 ग्राम मादक पदार्थ चरस बरामद हुई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। कल सरस चरस पकड़ में आई है, उसके संबंध जानकारी दीजिए। हमारे रतलाम पुलिस अधीक्षक श्री अमित सिंह सर के मार्गदर्शन में और नगर पुलिस अधीक्षक IPS श्री आशुतोष बागरी सर के नेतृत्व में जावरा शहर पुलिस द्वारा 1 किलो 900 ग्राम करीब चरस पकड़ी गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 50 लाख रुपये है। और रात्रि में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी, उसके आधार पर हम लोग गीता भवन के पास में एम्बुश किया था। उसी दौरान मुखबिर के बताए अनुसार हुलिया का एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आया, उसको हम लोगों ने पकड़ा, वहाँ पूछताछ की। उसके पास से मौके पर एक किलो दस ग्राम चरस बरामद हुई थी। तो उससे और पूछताछ की तो उसने बताया था कि इसको वसीम नामक व्यक्ति जो मुगलपुरा का रहने वाला, उसने नागदा के एक व्यक्ति से उसमें दिलवाई थी। तो उसके मेमो के आधार पर हम लोगों ने वसीम को भी पकड़ा, वसीम के पास से भी चरस बरामद हुई। अब इन दोनों को न्यायिक हिरासत में कोर्ट में पेश किया और उसके बाद इनको पुलिस रिमांड पर 19 तारीख तक पुलिस रिमांड पर और पूछताछ की जा रही है। इस दौरान और भी खुलासा होने की संभावना कि इनकी लिंक कहां से कहां तक जुड़ी हुई है।